हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आदित्य बिरला कैपिटल की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या यह कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हुए, कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 22,776 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 13.7 की PE है, 8.2% है कंपनी की ROC एंड 11.4% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 29%, एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 13.6% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है, डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टर लिखी रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 की क्वार्टरली रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे वैल्यूज है वो सब लैक्स पे दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, मैं हर एक वैल्यूज को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 66.92 करोड़ की इनकम एंड नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दिया है ऑलमोस्ट 8.1 करोड़ की। और अगर यही रिजल्ट जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने 53.46 करोड़ की इनकम एंड 5.62 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था। मतलब जून 2021 की क्वार्टर की कंपैरिजन में कंपनी ने यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखाई है इन टर्म्स ऑफ इनकम एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। और वहीं पे अगर ये रिजल्ट लास्ट क्वार्टर, मतलब मार्च 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 61.37 करोड़ की इनकम एंड 7.62 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था। मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में भी कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है इन जून 2022 की क्वार्टर, मतलब जून 2020 की क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़बरदस्त निकल के आई है आदित्य बिरला कैपिटल कंपनी के लिए। अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने अपने रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज करी है, लेकिन अगर देखा जाए तो डेट ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व, मतलब बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो डिटोरिएट हुई है। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो रिजर्व के कंपेरिजन में कई गुना ज़्यादा डेट मौजूद है कंपनी के पास, मतलब ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी एकदम बेकार है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हुई है इन FY 2022, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक आउट नहीं हुई है, लेकिन अगर मार्च क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया था, FIIs ने रिड्यूस किया था एंड DIIs ने बाइंग किया था प्रोमोटर्स के साथ साथ। और अगर देखा जाए तो एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठाया गया था। और अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो देख सकते हो कोई भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है इन दिस कंपनी, मतलब इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 14.24% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूशन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो गाइस, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, अगर जाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए जाओ, शॉर्ट टर्म के लिए मत जाना, क्योंकि पिछले 3-4 साल से ये कंपनी एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है। और देखो, कंपनी ऐसा नहीं है कि कंपनी फंडामेंटली वीक है, कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है एंड स्ट्रांग है, एंड कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो अगर जाना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म का व्यू से जाओ, नहीं तो शॉर्ट टर्म के लिए मत जाना, क्योंकि पिछले 3-4 साल से ये कंपनी कंसोलिडेट कर रही है एंड आगे भी कब तक ये कंपनी कंसोलिडेट करेगी वो किसी को नहीं पता है। तो मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इस कंपनी में तो लॉन्ग टर्म के लिए करो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इस कंपनी में मत लो। और कहाँ पे बाइंग करनी चाहिए एंड कहाँ पे पोजीशन बनाना चाहिए उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं।
तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे, और जैसे कि मैं बोल रहा था गाइज यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो पिछले कुछ सालों से ये कंपनी एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है, एंड जब से कंपनी लिस्टेड हुआ है स्टॉक मार्केट में तब से ये कंपनी एक डाउन ट्रेंड में है। तो इसी रीज़न की वजह से मैं शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा था। और अगर देखा जाए तो पिछले दो साल से एक ही रेंज के अंदर, एकदम सेम रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है कंपनी, यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। एंड जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशन प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों कहां पे बाइंग करनी चाहिए वो पॉइंट ये है, देख सकते हो यहां पे 86 रुपीस के आसपास इस कंपनी में आप लोग पोजीशन बना सकते हो, जो कि ऑलमोस्ट इस कंपनी की 52 वीक लो है। एंड अगर ये कंपनी आप लोगों को 52 वीक लो के आसपास या तो फिर एक स्ट्रांग सपोर्ट बेस के आसपास मिल जाती है तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में एक लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर सकते हो। देखो गाइस पहले ही समझ लो इससे भी नीचे कंपनी गिर सकती है, आप लोग एकदम लोएस्ट प्राइस पॉइंट पे एंट्री नहीं कर पाओगे, लेकिन ये जो 86 रुपीस की लेवल है ये एक स्ट्रांग सपोर्ट बेस है, तो इसके आसपास आप लोग डेफिनेटली एंट्री प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। और रही बात की स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करनी है, तो गाइस देखो कंपनी अभी ऊपर जा रही है तो यहाँ पे अभी दो चीज़ हो सकता है, हो सकता है कि ये कंपनी जो है वो 97 रुपीस की जो रेजिस्टेंस है यहाँ से रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाए, और ये भी हो सकता है कि इसको क्रॉस करके ऊपर चली जाए। तो अगर ये कंपनी बाय चांस 97 रुपीस की जो रेजिस्टेंस है यहाँ से रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 86 रुपीस। जब कंपनी ऐसा रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर दी फर्स्ट टारगेट ऑफ 97 रुपीस एंड सेकेंड टारगेट होगा 112 रुपए का। और वहीं पे अगर ये कंपनी सक्सेसफुली 97 रुपीस की जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो कंपनी ने इसके ऊपर क्लोजिंग किया है इसके कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 112 रुपीस एंड सेकंड टारगेट आप लोगों के सामने जो कि है ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 127 रुपए की लेवल। एज सिंपल एज दैट, जैसे कंपनी ट्रेड करेगी, जैसे कंपनी की प्राइस मूव करेगी उसके हिसाब से आप लोगों को ट्रेड प्लान करना है, लेकिन एंट्री हमेशा कंफर्मेशन के बाद ही लेनी है, चाहे आप लोग रिवर्सल ट्रेड ले रहे हो या तो फिर मोमेंटम ट्रेड। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।